क्यों हो रहे हो परेशान अगर आपका भी है दक्षिण दिशा का मकान। क्या होती है दक्षिण दिशा से जुड़ी परेशानियाँ? अगर आप भी दक्षिण दिशा के मकान में रह रहे हो तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दक्षिण दिशा का मकान किसी को तो फ़ायदा दे और किसी को न जाने कितनी तरह की मुसीबतें और परेशानियाँ दे। तो आज यही चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ कि दक्षिण दिशा के मकान के जो दोष हैं वो कैसे दूर किए जाएं और इससे जुड़े हुए दोष और परेशानियां किस रूप से आपके जीवन में आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम मकान लेते हैं, मकान को हम अपने घर को वास्तु के अनुसार बनाते हैं, वास्तु किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। पर ऐसा कोई भी मकान नहीं मिलेगा जिसके अंदर वास्तु दोष ना हो। कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से वास्तु दोष होते ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मकान बना रहे हो तो हो सकता है कि जो आपका कारीगर है वही खुश दिल होकर मकान ना बना रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव ऊर्जा उस चुनाई ईंटों दर ईंटों में कहीं ना कहीं वो भी उसमें आ जाएगी। जब माताएँ बहनें या फिर आपकी वाइफ खाना बनाती है, अगर वो दिल से खाना बनाएगी ना तो आपके शरीर को अच्छा लगेगा, आपके शरीर में वो कहीं ना कहीं पोषक तत्वों का काम करेगा। अगर वही किलस के गुस्से में गालियां दे दे के बना रही है तो वो खाना आपके शरीर को भी नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं पेट की दिक्कत होगी और अनेकों जाने कितनी तरह की परेशानियां रात भर आप झेलोगे। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊर्जाओं का साथ हमारे जीवन पर पड़ता है। ये ऊर्जाएँ हमें हर एक रूप से आती हैं हमारे पास, चाहे वो जीवित व्यक्ति से आती हो चाहे वो निर्जीव चीज़ों से आती हैं। जीवित व्यक्ति से कैसे आती हैं? मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे देखते ही आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए कि यार इसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आता है। ये क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा ही ऐसी है जो आपको हमेशा इस तरह से परेशानी देती है। अब दूसरी तरफ मान लीजिए कि आपके सामने एक व्यक्ति आया तो उसका चेहरा बहुत अच्छा है, उसके हाव भाव अच्छे हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्लेजेंट लगेगा, यानी कि आपको एक अच्छा अनुभव कराने वाला वो व्यक्ति लगेगा जिससे कि आप भी बात करने में एक अच्छी प्रसन्नता महसूस करोगे। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जाओं का फर्क होता है। अब ये तो हो गई जीते जागते लोगों की ऊर्जाएं। निर्जीव चीज़ों की ऊर्जाएं कैसे आती है? मान लीजिए आपका बेडरूम है और बेडरूम में आपने सभी चीज़ें अच्छे तरीके से रखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके घर में आपकी धर्म पत्नी ला के कोई ऐसी चीज़ रख देती है जो आपको दिमाग में खटक रही है, यार ये क्यों रख दी यहाँ पर, गुस्सा आएगा आपको, हमेशा कुछ ना कुछ चिड़चिड़ाहट होगी, आप इस गुस्से को लेके हो सकता अपने रिलेशन ख़राब करो, अपने आपस में लड़ाई झगड़ा करो। तो सोचिए जीवित और निर्जीव चीज़ें किस तरह हमारे ऊपर असर डालती हैं। अगर मान लीजिए हम सो रहे हैं और ये मना किया जाता है कि जो छत होती है छत में आपको उस तरफ नहीं सोना है जहाँ पर भारीपन हो, बहुत ज़्यादा भारी, जैसे छत पर बीम लटके होते हैं उस तरफ को सिर रख के मत सो, कोई छत पर आपकी सेल्फ है वहाँ पे भारी भारी सामान रखा और उसी के नीचे आपका बेड लगा हुआ है, वहाँ तकिया लगा के आप सो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये परेशानियाँ लेकर आएगा, आपकी रात की नींद उस तरह की नहीं होगी, आप सो नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से ये निर्जीव चीज़ आपके साथ कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करेगी। अब ये प्रभाव हमारे साथ हमारे घर से जुड़ा होता है। जब हम दक्षिण दिशा के मकान में रहते हैं, कुछ लोग देखिए दक्षिण दिशा में बहुत अच्छे फलते फूलते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि अगर आप फल फूल रहे हैं तो और भी लोग एक जैसे प्लैनेटरी पोजिशन यानी कि ग्रहों की स्थिति ऐसी लेकर बैठे हो, नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ग्रह अलग हैं तो उनमें मिलने वाला असर उसके जीवन में भी अलग अलग है। पाँचों उंगलियाँ जिस तरह से बराबर नहीं, उसी तरीके से ये चीज़ें हैं। तो आपको मान लीजिए आपका घर अच्छा फल फूल रहा है, आपको अच्छा सब कुछ दे रहा है, दक्षिण दिशा का मकान उनके लिए सही है जो किसी तरह का कामकाज अपने घर से बैठ के करते हैं, किसी तरह का स्टोर बना रखा है, किसी तरह का होम वर्क फ्रॉम होम है, या किसी भी तरह से अर्निंग सोर्स आपके घर से है, तो उनके लिए दक्षिण सही है, दुकान ऑफिस ये सब सही है। पर रिहाइश, यानी कि रिहाइश वो होती है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ रहते हो। अब परिवार में अगर मान लीजिए उस दक्षिण दिशा के बुरे असर आएंगे तो सबसे पहले आपके ऊपर आएंगे, क्योंकि वही मुसीबतें आपके जीवन में आएंगी। कैसे? कि आप कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक मुसीबतों से घिर जाओगे, किसी प्रकार की बीमारी होगी, आपसी मतभेद होगा जो आपका जीवन खराब करेगा। अब ये परेशानियां कई लोगों के जीवन में आती हैं,
दक्षिण दिशा का मकान कुछ लोगों के लिए तो एक तरह से श्राप साबित हो जाता है। बिल्कुल श्राप। कैसे? मान लीजिए उनकी कुंडली में तीसरा घर केतु से खराब है, बुध से खराब है, राहु 11वें घर में है, शनि या मंगल 8वें घर में है, केतु 8वें घर में है, बुध 8वें घर में है। अब ये कुछ पोजीशन है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि दक्षिण दिशा के मकान में आप ना रहिए। पहला तो ये समझ लीजिए कि बुध तीसरा घर या फिर 8वां घर, ये दो घर ऐसे हैं जिनको आपने सबसे पहले देख लेना अपनी कुंडली के हिसाब से। कहीं इन घरों में आपके मंगल, बुध या केतु तो नहीं बैठे हुए या राहु तो नहीं बैठा हुआ आपके 8वें घर में। तो ऐसा है तो भैया दक्षिण दिशा के मकान को अवॉइड कर लीजिए। अब आप कैसे अवॉइड करोगे? मान लो आप मकान खरीदने जा रहे हो या कुछ इस तरह से, तो आप दक्षिण दिशा की जो है वो मत लीजिए, दक्षिण दिशा का मकान मत लीजिए। आपको कहते हैं ना प्रॉपर्टी डीलर, हाँ जी ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। बस यही समझना है कि आपको कि साउथ फेसिंग ना हो आपका मकान। अगर साउथ फेसिंग हुआ तो यह आपको कहीं ना कहीं आपके हंसते खेलते जीवन में कहीं ना कहीं ग्रहण लगा सकता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जब परेशानी आ जाती है ना तब वो कॉन्टैक्ट करते हैं, तब वो कहते हैं हाँ जी हम तो अपने वहाँ पंडित जी से उपाय कराते थे पर हमें तो उन्होंने बताया नहीं। वो बताएंगे कैसे? क्या वो लाल किताब के पंडित जी थे? पहले बात ये समझ लीजिए। क्या वो उस तरह की ज्योतिष गणनाएं करते थे या फिर वो पारंपरिक ज्योतिष जिसको हम वैदिक ज्योतिष के नाम से जानते हैं क्या वो करते थे? क्या वो कहीं मंदिर में बैठे हुए पुजारी थे और वहीं पर ही वो लोग इस तरह से लोगों की कुंडलियां और कुछ उपाय और पूजा पाठ सजेस्ट किया करते थे? बहुत सी कंडीशंस होती है, जिस तरह से डॉक्टर हर एक परेशानी का अलग अलग होता है ना, उसी तरीके से ये ज्योतिष विद्या में अनेकों विद्याएं विभाजित हो चुकी हैं। और ये विभाजन कैसे है? वैदिक ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष और आपके नक्षत्र ज्योतिष, आपके कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष, बहुत सी चीज़ें हैं इनके अंदर। अब वो ये एक हाई लेवल की स्टडी होती है पर मूल रूप ज्योतिष का जो है वो वैदिक ज्योतिष ही है। पर जैसे जैसे रिसर्च आई, जैसे जैसे लोगों को और चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली, उन्होंने ये जो परेशानियां हैं इनके बारे में समझा। जैसे कि कालसर्प दोष के बारे में कहीं पर भी ज्योतिष जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें कहीं वर्णन नहीं मिलता है। कालसर्प दोष को बाद में समझा गया इसी प्रकार कि हाँ जी कालसर्प दोष भी कुछ ना कुछ जीवन में एक महत्ता रखता है और उसके भी असर आते हैं जो अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जैसे कि साउथ फेसिंग यानी कि दक्षिण दिशा का मकान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब ये बुराई क्या लेकर आता है आपके जीवन में, बड़ी बड़ी परेशानियाँ क्या लेकर आता है, ये समझिए। आपने जिस दिन से मकान खरीदा या जिस दिन से आप मकान में आए, आपका कारोबार ठप हो गया, आपके घर में कोई मेंबर, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी हो, बच्चा हो या फिर कोई आपके पारिवारिक बड़े लोग हों, उनको कहीं ना कहीं कोई बड़ी तकलीफ हो गई, किसी प्रकार से दिमागी परेशानी आ गई या फिर जिसे हम कहते हैं ऊपरी हवा का साया कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर आ गया, जिससे कि वो परेशान हो गया। अब उसकी देखरेख में आप जुट गए, यानी कि काम धंधा छोड़कर आप लग गए, जो पैसा आप काम धंधे में कमा सकते थे वही समय को आप कहीं ना कहीं अब व्यर्थ करोगे। आपके ऊपर कहीं ना कहीं झूठे आरोप लग गए, आप कोर्ट कचहरी के झंझट में फंस गए, आप कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबतों में फंस गए जिसे कहते हैं उड़ता हुआ तीर आके आपको लगा, आपने किया कुछ नहीं, आप बदनाम हो गए। आप कहीं एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ रहे थे, सुखी थे, चाहे किराए पे थे या किसी और मकान में थे, पर जब से इस मकान में आए हो आपको अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल लीजिए कि अब इस मकान का करें क्या। अब ले लिया है, जीवन में इंसान कई बार तो एक ही बार मकान लेता है और जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उसके पास तो कमी ही क्या है, पर जिसके पास पैसा नहीं है, जीवन भर की पूंजी एक मकान लेने में लगा दी, वो नहीं बदल सकता उस मकान को, ना ही तोड़ सकता है। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन है कि नहीं कर सकते हो, किराए पे नहीं जाना है, आपको उसी मकान में रहना है, तो उसका भी सोल्यूशन है, रास्ते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, आप घबराइए नहीं। बिल्कुल सिंपल सिंपल साधारण से आसान से उपाय होते हैं जो जीवन बदल देंगे। क्योंकि देखिए ऊर्जा,
सारा खेल ऊर्जा का है। जब वही ऊर्जा को हम व्यवस्थित कर लेंगे तो वही ऊर्जा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाएगी। अब कई बार कुछ ज़मीनों में दोष लगता है। दोष कैसे लगता है, ये फोटो देखिए। ये एक समारोह है, मैं उत्तर प्रदेश इटावा में पढ़ने वाले बसरेहर, और बसरेहर में एक गांव है मसनाई, वहां पर गया भागवत में, हमारे रिश्तेदारी थी वहां पर, भागवत में मैं गया तो वहां पर वही चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें गांव में या फिर उनके यहां ज़्यादा होती है जिनके पास ज़मीनें होती हैं, अपना कुछ कार्यक्रम आयोजन वो कर सकते हैं। ज़मीन खोद कर देखिए इस तरह से भट्टी बनाई जाती है, और भट्टी बनती है, काम होता है, सब कुछ होने के बाद अब वो जो भट्टी में जो राख थी ज़मीन के अंदर वो कहाँ गई, कोई नहीं निकालता है उसको, उसी के ऊपर मिट्टी डाल के उसे बंद कर देते हैं। अब सोचिए वो राख, राख क्या है, राख है बुध, और भट्टी क्या है, भट्टी है मंगल, बद नेगेटिव मंगल। अब ये राख वाली ज़मीन कभी ना कभी किसी न किसी के तो पास आएगी, हो सकता है कि परिवार का ही कोई मेंबर वहाँ पर घर बना ले, हो सकता है कि वो लोग ज़मीन को बेच दें किसी और को, और जो व्यक्ति वो ख़रीदेगा समझो उसके तो हो गए वारे न्यारे, उसकी तो हो गई परेशानियाँ शुरू। अब मकान में दोष का पता तब लगता है जब आपकी कुंडली में ये चीज़ें हों। मान लीजिए मंगल आपके आठवें घर में है, राहु आठवें घर में है, बुध तीसरे घर में है, केतु तीसरे घर में है, तब ऐसे केस में ये कहा जाता है भैया ज़मीन जायदाद थोड़ा देख समझ के ख़रीदना। खुदाई करते हुए अगर राख वगैरह निकले तो उस राख या जली हुई चीज़ों को निकलवा दो, बाहर फेंकवा दो पहला, क्योंकि नींव वगैरह खोदते हैं तब ये चीज़ें निकलती हैं। ऐसी खुदाई में निकली हुई राख या कुछ इस तरह की चीज़ों को कर दीजिए। और आपकी कुंडली में अगर ऐसे योग हैं, तीसरा घर आठवां घर खराब है, तो अगर भट्टी पहली बात तो लगवाओ मत घर में, आप तंदूर मंगवा लो, ज़मीन के अंदर क्यों खुदवा रहे हो, आप तंदूर मंगवा लो, कुछ भी कर लो, पर इस तरह से मत करो। आप ईंटें लगा के चाहे तो चूल्हा बना लो बड़ा वाला, कुछ भी करो पर ज़मीन के अंदर मत करो, क्योंकि वो एक बार ज़मीन खुदी और नीचे काम हुआ तो समझो आपकी परेशानियां शुरू। एक तरफ तो ये चीज़ें शुभ फल देने वाली होती है, पर हर एक को कहते हैं ना कि अमृत भी फ़ायदा नहीं देता है। अमृत यानी कि अमृत वो जो भगवत ज्ञान का पूजा पाठ का अमृत होता है ना, ये भी किसी को फ़ायदा नहीं देता है, किसी के लिए नुकसानदेह होता है। बृहस्पति के हिसाब से देखा जाता है वो, चलिए आप वीडियोस देख के भी समझ लेंगे कि बृहस्पति के हिसाब से क्यों पूजा पाठ किसी के लिए फ़ायदेमंद है किसी के लिए नहीं है, और करनी है तो किस तरह से करनी है। अब ये चीज़ आप समझ गए कि आपकी कुंडली में तीसरा आठवां घर खराब है, तो आपने दक्षिण दिशा के मकान को थोड़ा सा सोच समझ के लेना है। घर में अगर आपको कोई इस तरह का आयोजन कराना है तो मत कराइए। और अब ये आपने अपने आप को सेफ कर लिया, अब मकान आपका है, आप उस मकान को किस तरह से सही करोगे ये समझिए। उस मकान की जो दहलीज होती है, जो दरवाज़ा होता है, मुख्य द्वार होता है, जिस घर से, जिस दरवाजे से आप अंदर एंटर करते हो, ये नहीं कि आपकी चार दीवारी वाला दरवाज़ा, वो दरवाज़ा चार दीवारी के बाद पड़ता है ना, मुख्य एंट्रेंस जहाँ पर आप मैट डालते हो, वेलकम लिखते हो, यही वो दरवाज़ा होता है। देखिए फोटो में इसको कहते हैं मुख्य द्वार। अब इस मुख्य द्वार के नीचे जो फर्श होता है, फर्श में आपने क्या करना है, इस तरह से चांदी की तार आपको डालनी है। अब ये चांदी की तार देख लीजिए, जितना आपका दरवाज़ा हो उस हिसाब से आप ले लीजिए मार्केट में, और चांदी की तार सोमवार के दिन आप उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद ऊपर से सीमेंट लगवा दीजिए, बंद करवा दीजिए। पहली रोकथाम नेगेटिव एनर्जी की तो आपने कर दी, और ये उपाय तो वैसे देखा जाए सबके लिए है, ये काम ही है, ये लक्ष्मण रेखा है एक तरह की, ये रेखा आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं करने देगी। बाहर से कुछ भी लाओ आपके साथ चलकर आएगी नेगेटिव एनर्जी, पर द्वार के अंदर नहीं आएगी। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं, और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब दूसरा उपाय है ये पंचमुखी हनुमान जी। देखिए पंचमुखी हनुमान जी आप अपने घर में स्थापित करिए, ज़रूर स्थापित करिए,
आपके घर में पूजा स्थान में रख सकते हो, या फिर आपके घर की दक्षिण दिशा जो होगी वहाँ पर एक लकड़ी की फट्टी या फिर आप चौकी लगाकर वहाँ पर लाल कपड़ा बिछा के इस तरह से स्थापित करिए। जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी है, कोई भी नॉनवेज या फिर कुछ ऐसे काम नहीं करता है, वो हनुमान जी को स्थापित करे और वही जिम्मेवारी ले हनुमान जी की साफ सफाई, पूजा पाठ, इनको शुद्धिकरण, धूप दीपक दिखाना, तो उसकी एक छोटे से इस प्रयास से पूरे घर को सुख शांति मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भैया अगर एक व्यक्ति परिवार का नॉनवेज नहीं खाता तो बाकी लोग नहीं खाएंगे, बाकी लोगों को तो नहीं हम रोक सकते, पर एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं करता ऐसा, वो घर की माताएं बहनें हो सकती हैं, कोई बच्चा हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर हैं तो इस तरह से आप हनुमान जी को स्थापित करिए। अभी हनुमान जी देखिए ज़्यादा बड़े नहीं है, मेरे अंगूठे के साइज़ के हैं, ये देखिए ये अंगूठे के बराबर के हनुमान जी हैं। इससे बड़ी मूर्तियां मत रखिए घर में, आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए या फिर ये चार उंगलियां, इस तरह से देखिए ये चार उंगलियों के बराबर ही हैं। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो हनुमान जी की शक्ति से आपके घर में कोई भी चीज़ है जो भी नेगेटिव होती है सब बाहर होंगी। बाहर तो आपने प्रोटेक्शन दे ही दी, अंदर भी प्रोटेक्शन दे दी, अब बताइए आपको और कितनी प्रोटेक्शन चाहिए। आपको तो मैंने इतनी प्रोटेक्शन दे दी, इतने उपाय सरल बता दिए जितने एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेड प्लस सिक्योरिटी लेके चलते हैं ना, ऐसी जेड प्लस सिक्योरिटी आपको सिर्फ ये मात्र दो उपायों से मिल जाएगी। आप भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझोगे जब आपके साथ हनुमान जी की शक्ति होगी। तो दोस्तों घबराइए नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, और भटकिए मत, इधर उधर मत जाइए, अपनी कुंडली को ज़रूर देख लीजिए या कहीं विद्वान ज्योतिष को दिखा लीजिए, कुछ ऐसे योग तो नहीं है जो आपके घर से आपके जुड़े हुए हैं। और एक मुख्य और जानकारी और, अपने वर्ष फल को जरूर चेक करवाते रहिए। वर्ष फल लाल किताब का वर्ष फल होता है जो कि आपके जन्मदिन से शुरू होता है और अगले जन्मदिन तक के ग्रह के जो परेशानियां होती हैं उनके उपाय बताता है, जिसे लाल किताब वर्ष कुंडली कहते हैं। आप वो भी चेक कराते रहोगे, उनके उपाय करते रहोगे, तीन चार उपाय होते हैं गिनती के, कर लिए तो पूरा वर्ष आपको समझो एक लाइफ इंश्योरेंस मिल गया, टर्म इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, एक साल का टर्म इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा और बचे रहोगे परेशानियों से। बाकी ऐसे ही और जानकारियां लेके मैं तो आता ही रहूँगा, बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए, पर जाने से पहले जय श्री राम जय हनुमान का नारा जरूर लगा दीजिएगा।